हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता होगा DFCCIL डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर IT डिप्लोमा BBTEC स्टूडेंट्स के लिए बड़ी मात्रा में अभी वैकेंसी चल रही है। तो उस वैकेंसी के अंदर पिछली जो वैकेंसी थी दोस्तों, 2018 की जो वैकेंसी थी IT डिप्लोमा BBTEC की जो वैकेंसी थी, सेम पोजिशन के लिए कितनी कट ऑफ गई थी, काफ़ी ये मायने रखता है। और कौन कौन सी पोजिशन के लिए कितने कितने फॉर्म भरे गए थे और कितने कैंडिडेट्स थे जो कि प्रत्येक वैकेंसी के अंदर एग्जामिनेशन को अटेंड किया था, इन सब चीजों के बारे में आपको जानना काफी जरूरी है ताकि आप उसी हिसाब से, उसी लेवल से अपनी जो प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट कर सको। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो चीजें बताने वाला हूं। एक तो दोस्तों IT डिप्लोमा BBTEC स्टूडेंट्स के लिए 2018 की जो वैकेंसी थी उसकी पोस्ट वाइज में आपको कट ऑफ बताने वाला हूं, मिनिमम कट ऑफ कितनी थी, मैक्सिमम कट ऑफ कितनी थी। उसके साथ में यह भी बताऊंगा कि कौन कौन सी पोजिशन के लिए कितने स्टूडेंट्स ने फॉर्म अप्लाई किया था और कितने स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एग्जामिनेशन को अटेंड किया था। साथ में यह भी बताऊंगा कि 2018 की जो वैकेंसी थी उसकी कट ऑफ काफी कम गई थी दोस्तों। कुछ वैकेंसी तो ऐसी है, कुछ पोजीशन तो ऐसी है जिनकी 40 के आसपास में ही कट ऑफ गई थी। तो इसकी क्या वजह है कि इतनी कम परसेंटेज कट ऑफ क्यों गई थी, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। यहां पर मैं आपको जो कट ऑफ बताने वाला हूं 100% जेन्युइन है, ऑफिशियल जो इनकी कट ऑफ है 2018 की उसी का मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, कट ऑफ को लेकर के ये आपको एक नोटिफिकेशन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर थे जो 2018 की जो वैकेंसी आई थी उसके दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने लिखा, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट कट ऑफ मार्क्स आउट ऑफ टोटल 120 मार्क्स ऑप्टन बाय द कैंडिडेट्स इन द मेन पैनल। यानी कि एक यहाँ पे मैं जो आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ वो आउट ऑफ 120 यानी कि 120 में से कितने नंबर वाले का सिलेक्शन हुआ है, इस हिसाब से इन्होंने कट ऑफ यहाँ पे बता रखी है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं दोस्तों पोजिशन जो कि एजुकेटिव सिविल वाली जो वैकेंसी है उसकी कट ऑफ के बारे में अपन बात कर लेते हैं दोस्तों। ये जो एग्जाम था 10/11/2018 को रखा गया था दोस्तों। यहां पे देखिए आपको पता चलेगा दोस्तों कितने कैंडिडेट थे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था। यहां पे देखिए 41,707 कैंडिडेट थे जिन्होंने एजुकेटिव शील के लिए अप्लाई किया था और यहां पर 29,705 कैंडिडेट थे जिन्होंने एग्जाम को अटेंड किया था। कट ऑफ की बात कर लेते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, यहां पर 92.50 और जो लोवेस्ट कट ऑफ थी वो रही थी आपकी 82.75। ठीक है, उसी हिसाब से जो SC कैटेगरी थी उनकी अधिकतम जो कट ऑफ थी यानी कि जो मैक्सिमम कैंडिडेट था जिनके नंबर थे उसके थे 80.50 और जो मिनिमम जो कट ऑफ थी जिनका सिलेक्शन हुआ था मिनिमम परसेंटेज वाले का उनके परसेंटेज थे 76 यानी कि 76। उसी हिसाब से यहाँ पे ST की आप देख सकते हो 80.25 थे मैक्सिमम और मिनिमम थे 77.75। उसी हिसाब से OBC की जो कट ऑफ थी वो यहाँ पे मिनिमम रही थी 80.50, EX सर्विसमैन की रही थी 59.50 और जो PWD कैंडिडेट थे फिजिकल हैंडीकेप्ट थे उनकी रही थी 56.25। अगली जो वैकेंसी थी दोस्तों एजुकेटिव इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी थी जो कि डिप्लोमा वालों की वैकेंसी है दोस्तों। हालांकि डिप्लोमा और BBTEC वाले दोनों ही एजुकेटिव वैकेंसी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो वैकेंसी थी एजुकेटिव इलेक्ट्रिकल के लिए 24,706 बच्चों ने अप्लाई किया था, 16,855 बच्चों ने एग्जाम को अटेंड किया था। अनरिजर्व कैटेगरी में हाईएस्ट जो मार्क्स थे 106.50 थे और लोवेस्ट जो कट ऑफ थी वो थी 102.50। उसी हिसाब से SC के आप देख सकते हो 97.50 और जो लोवेस्ट थी वो थी 92.50। ST की जो अधिकतम थी वो थी 97.75 और लोवेस्ट थी 95.75। उसी हिसाब से OBC के अंदर हाइएस्ट मार्क्स थे 102.50 और लोवेस्ट थे 101.25। उसी हिसाब से एक सर्विसमैन की और PWD की आप यहां पे जो कट ऑफ है वो देख सकते हो दोस्तों। अगली जो वैकेंसी है दोस्तों वो थी जूनियर एजुकेटिव सिविल की। यहां पे इस पोजीशन के लिए टोटल 4658 बच्चों ने अप्लाई किया था और 3465 बच्चों ने एग्जाम को अटेंड किया था। कट ऑफ के बारे में बात कर लेते दोस्तों, हाइएस्ट कट ऑफ मार्क्स थे वो थे 86.25 और जो लोवेस्ट कट ऑफ थी दोस्तों 49 यानी कि 49 या फिर इससे अधिकतम जो परसेंटेज लेके आए थे उन सभी बच्चों को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया गया था। SC कैटेगरी के अंदर लोवेस्ट थी 43.75, ST के अंदर लोवेस्ट थी 39.75, OBC के अंदर थी 45.25 और यहां पे EX सर्विसमैन के लिए 36.25 और PWD कैंडिडेट थे उनके लिए थी 38 नंबर दोस्तों। अगली जो वैकेंसी है एजुकेटिव SNT की वैकेंसी है दोस्तों। SNT यानी कि सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन दोस्तों।
यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ दोस्तों, ये नंबर है, परसेंटेज नहीं है। आउट ऑफ 120 यानी 120 में से कितने नंबर लेने वालों का यहाँ पे मेरिट के अंदर नाम आया, वो उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ये परसेंटेज नहीं है, ये 120 में से नंबर है दोस्तों, ठीक है। देखिए एजुकेटिव SNT की जो वैकेंसी है, इसके अंदर 25,143 बच्चों ने अप्लाई किया था, 15,612 बच्चों ने इसका एग्जाम अटेंड किया था। अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर यहाँ पे जो लोवेस्ट कट ऑफ मार्क्स थे वो थे 68.25, SC के अंदर थे 56.75, ST के अंदर थे 51.25, OBC के अंदर 65.25 या फिर इससे अधिक अंक लाने वालों का सिलेक्शन हुआ था, EX सर्विस मैन के 37.50 और PWD कैंडिडेट्स के लिए 34.50 यहाँ पे नंबर हुए थे दोस्तों। अगली पोजिशन के बारे में बात कर लेते हैं। अगली जो पोजिशन है वो दोस्तों एजुकेटिव ऑपरेटिंग स्टेशन मास्टर एंड कंट्रोलर, इसके अंदर साइको भी होता है दोस्तों। साइको के अंदर किन बच्चों का सिलेक्शन किया गया था उनकी यहाँ पे कट ऑफ दिखाई गई है। अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर लोवेस्ट कट ऑफ मार्क्स थे वो थे 73.50, SC के अंदर था 63.75, ST के अंदर था 62.25, OBC के अंदर था 68.75 और EX सर्विस मैन का था 51.75 दोस्तों। बात कर लेते हैं अगली पोजिशन के। अगली जो वैकेंसी है दोस्तों वो नंबर 7 पे जूनियर एजुकेटिव SNT IT वाले कैंडिडेट्स के लिए जो वैकेंसी थी, इसके अंदर 1000 बच्चों ने केवल अप्लाई किया था, 568 बच्चों ने एग्जाम को अटेंड किया था। अनरिजर्व कैटेगरी की 62.50, SC की यहाँ पे 57.50, ST की यहाँ पे 48.75, OBC की यहाँ पे 54.25, EX सर्विस मैन के लिए 59.75 नंबर वालों का इसके अंदर सिलेक्शन हुआ था दोस्तों। अगली जो पोजिशन है दोस्तों वो है मल्टी टास्किंग स्टाफ यानी कि MTS वाली जो वैकेंसी है, सिविल इलेक्ट्रिकल SNT ऑपरेटिंग वालों की वैकेंसी थी, लेकिन इस बार इसकी वैकेंसी नहीं है तो ये कोई अपने लिए ज्यादा मायने नहीं रखती है। तो ये जो कट ऑफ थी मैंने जो आपको बताया 2018 की जो वैकेंसी थी उसकी कट ऑफ रही है। यहाँ पे काफी सारी पोजीशन ऐसी थी जिनकी 40 या फिर इसके आसपास में कट ऑफ मार्क्स रहे हैं, तो इतनी कम कट ऑफ मार्क्स रहने का जो कारण था दोस्तों वो एक ही था, इसके अंदर जितने भी पोर्शन आते हैं पेपर के अंदर प्रत्येक के अंदर जनरल कैटेगरी को 40% और OBC को और SC को और EWS कैटेगरी 30% और ST कैटेगरी को 25% प्रत्येक पार्ट के अंदर लेके आना होता है। और जो टेक्निकल का जो पोर्शन होता है दोस्तों, मेन चीज ये टेक्निकल का जो पोर्शन आता है उसके अंदर कई सारे ब्रांच से संबंधित पर्सन आते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल एजुकेटिव की जो वैकेंसी है इसके अंदर इलेक्ट्रिकल से संबंधित, टेलीकम्युनिकेशन से संबंधित, कंप्यूटर से संबंधित, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित, इस प्रकार से एक साथ में कई सारी ब्रांच से संबंधित पर्सन है वो एक साथ में आते हैं, तो वहां पर नंबर लेके आना काफी मुश्किल होता है। ये एक वजह रहती है इसके अंदर कट ऑफ कम रहने की दोस्तों। तो आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।